नमस्कार, आज मैं बिल्कुल ही घरेलू तरीके से पालक पनीर की सब्जी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए पालक को लेकर के पहले पालक का जो भी घास वगैरह है उसे हम निकाल लिए। निकाल करके पालक को अच्छी तरह से धो लिए। धोने के बाद इसे हम पानी में डाल करके बॉईल कर लिए हैं और बॉईल करके पानी से निकाल लिए। निकालने के बाद इसे हम मिक्सी के जार में डाल करके इसे हम पीस लिए हैं और ये 200 ग्राम पनीर है। पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले गैस ऑन करके कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं। पालक पनीर की सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल को डाल दिए हैं और तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें हम 5-6 लहसुन की कलियां को लेकर के उसे हम इस तरह से छोटा छोटा पीस में काट लिए हैं। पहले हम उसे डाल देते हैं और लहसुन को पहले हम हल्का सा लाल होने देते हैं। लहसुन हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा को लेकर किस तरह से लंबा लंबा पीस में काट लिए, इसे भी डाल देते हैं और लहसुन के साथ अदरक को भी भून लेते हैं। अब इसमें 1 बड़ा सा प्याज को लेकर के इसे हम इस तरह से बारीक काट लिए हैं, उसे डाल देते हैं और प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं। एक बार इस तरह से पालक पनीर का सब्जी ज़रूर बनाइए और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। प्याज भी अच्छी तरह से भुना गया है। अब इसमें मसाला को डाल देते हैं, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच किचन किंग पाउडर से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद अब इसमें हम 2 मीडियम साइज का टमाटर को लेकर के उसका हम इस तरह से पेस्ट तैयार किए हैं उसे डाल देते हैं। साथ में स्वाद अनुसार नमक, नमक अभी इसलिए डाल रहे हैं कि टमाटर जल्दी गल जाए, और गैस का फ्लेम को लो करके टमाटर को अच्छी तरह से पका लेते हैं। टमाटर अच्छी तरह से भुना गया है। अब इसमें हम पालक को डाल देते हैं, थोड़ा सा इसमें पानी डाल करके। और इसे मसाला के साथ मिला लेते हैं। अब इसमें पनीर को इस तरह से पीस पीस में काट लिए हैं, उसे डाल देते हैं। एक छोटा चम्मच गरम मसाला जिसे हम दरदरा कूटे हैं, गरम मसाला पाउडर नहीं है, और इसे भी मिला लेते हैं। मिलाने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा पानी को डाल देते हैं। पानी डालने के बाद लगभग 5 मिनट के लिए इसे हम अच्छी तरह से पका लेते हैं। अब हम पालक पनीर की सब्जी को चेक कर लेते हैं। पालक पनीर की सब्जी बनकर तैयार है। गैस को ऑफ कर देते हैं। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। धन्यवाद।